नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। कार्य बहाली के लिए करोलिया लाइटिंग के श्रमिकों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। श्रमिकों के समर्थन में अब महिलाएं और बच्चे भी आ गए हैं। रुद्रपुर की करोलिया लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड सिटकुल पंतनगर में यूनियन बनाने से श्रमिकों की अवैध बर्खास्तगी, शोषण और दमन के खिलाफ गांधी पार्क रुद्रपुर में श्रमिक देव सिंह का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। करोलिया लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड सिटकुल पंतनगर में करोलिया लाइटिंग एम्प्लॉयज यूनियन पंजीकृत होने के बाद प्रबंधन द्वारा द्वेष भावना से श्रमिकों, यूनियन पदाधिकारियों का उत्पीड़न, निलंबन और निष्कासन लगातार जारी है। मजदूर दो साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रबंधन ने यूनियन उपाध्यक्ष सुनील कुमार यादव को कोविड-19 जांच का निवेदन करने पर फर्जी आरोप लगाकर निलंबित और फिर बर्खास्त कर दिया। यूनियन ने प्रबंधन को अपना एक मांग पत्र दिया था, प्रबंधन उसे भी दरकिनार करता रहा। ये है कि हमारे जो 11 साथी मैनेजमेंट ने बाहर करे हैं उनके खिलाफ सर हम चाहते हैं कि हमारे जो 11 साथी हैं वो उनकी कार्य बहाली हो। दूसरा सर हमारा ये है कि हमारा जो वेतन वृद्धि का जो हमने एक मांग पत्र दिया था वो उस पर सुनवाई हो और उस पर समझौता हो। और तीसरा सर जो हमारे सभी स्थायी श्रमिकों को इन्होंने आरोप पत्र दे रखे हैं वो निरस्त हो, ये हमारी मांग है। मेरा नाम है रेखा भट्ट, मैं वाइफ ऑफ विनोद भट्ट, जो करोलिया लाइटिंग के मजदूर हैं। उन्हें काफ़ी टाइम से बाहर निकाला गया हुआ है और जिसके आक्रोश में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, अगर हमारे बच्चे ऐसे ही स्कूल से बाहर निकाले गए, शायद हमें भी नौबत घर से बाहर निकालें, क्योंकि हम भी रेंट पे रहते हैं, हमें भी वहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि हम ना किराया दे पा रहे हैं ना बच्चों के स्कूल की फ़ीस दे पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, इसी रीजन से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें से हमारी साथियों के हस्बैंड जो हैं वो यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गए हैं उन्हें यहाँ बैठे हुए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है या कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार करोलिया लाइटिंग के मालिक रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे 11 साथी जो बाहर कर रखे हैं उनको अंदर करें और हमारे साथियों के जो आरोप पत्र हैं उनको निरस्त करें और हमारे मांग पत्र पर समझौता करें। निकटता में ऐसे ही तो ये थी रुद्रपुर से हमारे संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।